गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 5:30 और मैं हो गई हूँ जिम के लिए रेडी। 4 दिन से वर्कआउट के लिए नहीं जा पाई, रीजन आपको पता ही है, क्योंकि रज्जू को छोड़ना था और घर में गेस्ट आए हुए थे। तो रज्जू की अपडेट दे देती हूँ, वो वहाँ पे अच्छे से सेफली पहुँच गए हैं और अच्छे से सेटल हो गए हैं। तो बस मैं निकल रही हूँ अब जिम के लिए, और जिम से आने के बाद आपसे मिलती हूँ। आज मुझे सुबह सुबह उठ के तो बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, बट अब मैं जिम जा रही हूँ ना तो बाहर बारिश की बूंदें आ रही है, देखो मेरी स्कूटी पर भी, और अब मुझे लग रहा है कि मैं कहीं आते टाइम भीग ना जाऊँ। पर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। डर के आगे वैसे भी जीत होती है, तो लेट्स गो गाइस। वर्कआउट हो गया डन, और जैसे कि मैंने बोला था बारिश आएगी, तो देखो पीछे बारिश हो रही है। मेरी स्कूटी ज़्यादा ही हो रही है यार, अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर यहाँ पर वेट करती हूँ, पर बारिश लग नहीं रही मुझे बंद हो गई। पिछले 10 मिनट से तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बट बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, तो इसलिए मैं जा रही हूँ बारिश में ही घर भीगते हुए। रीच्ड होम सेफली, और बारिश में इतनी भीगी नहीं क्योंकि बारिश थोड़ी कम हो गई थी। बनाना लेके आई हूँ, कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज पनीर की सब्जी, आलू की थोड़ी सी सब्जी, और ये कोदे की रोटी। ये गांव की कोदे की रोटी है, जिसको कि आई थिंक यहाँ पे रागी की रोटी बोलते हैं। तो जब भी मम्मी गांव जाती है ना, ये तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली ये चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो हाँ, मैं यही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ आज। अभी लीची खा रही थी और देखो कितना बड़ा लीची में कीड़ा आया, बिल्कुल व्हाइट कलर का है, समझ में भी नहीं आएगा कि लीची है या कीड़ा। लीची लेके खाओ ना तो इसके ऊपर का पार्ट बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि यहीं पे ही कीड़ा होता है। इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग वाला, ये वाला, यहीं पे ही होता है कीड़ा। तो जब भी आप लीची लेके खाओ तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि व्हाइट ही होता है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता एकदम से। तो मैंने तो पहले साइड साइड से छिला और फिर मैंने ये देख लिया, नहीं तो चला जाता है स्टमक के अंदर। तो गाइज आज गुल्लू ने लगाई है अपनी दुकान, आपको कुछ उसकी शॉप से खरीदना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। मेरा मेकअप किट है। ये आपकी मेकअप किट है? चलो भाई मेकअप किट ही सही, अगर आपको गुल्लू की मेकअप किट से कुछ चाहिए होगा तो जरूर कमेंट करके बताना। आपकी मेकअप किट में क्या क्या है? मेरी मेकअप किट में है 1 रबड़, 2 रबड़, 1 क्लिप और 1 लिपस्टिक, 2 लिपस्टिक, 1 स्टिकर्स, बहुत मैनी स्टिकर्स, एंड क्लिप्स, एंड स्प्रे, एंड लिप बाम्स, एंड नेल पेंट्स, कलर्स, गोल्डन, सिल्वर, ये कौन सा कलर है ये आप कमेंट में बताना, और ये रेड कलर है, और ये फेस वॉश, और ये टिश्यू पेपर, और ये क्लेचर जिसे कि मुझे इधर लगाना है, और ये जो है इसमें ये गोल्डन गोल्डन सा ये आईब्रो है, आईब्रोज का है जो कि माता जी मेरे लिए लाए थे। और ये कार है, आप इससे मेकअप करते भी हो? और ये कार है, ये 2 कार, एक अंगूठी, एक 2-3 किले, 2-3 कार, बस बहुत हो गया। और एक वो किले पे जो ऐसे चिपकाते नहीं है वो, तो बोलो। अब गाइस अगर आपको मेरी शॉप से कुछ लेना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ये मेरा किट है, इसमें थोड़ी लेते हैं कुछ। ठीक है, तो सभी अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये कर रही है ड्राइंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्राइंग, देखो कितना अच्छा कलर किया है सभी ने। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब आप ये वाला करने वाले हो? चलो ठीक है, ठीक है, फिर मैं आज खाने ही नहीं बनाऊंगी, अब करते रहो काम, ठीक है? तो यार ये वाला बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 एक साथ कैसे बना दोगे? मुझे पता है आप कर दोगे। इसके बाद पता कौन सा है? तो सही है ना, आपको ज्यादा मिल जाएंगे कलर करने के लिए। और ये देखो ये कितने
प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और इसमें देखो, अभी देखो इसमें, वही तो, और अब देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। चलो फिल करो, कलर फिल करो। ये लगा दो। गाइस, अगर आपको या फिर ऐसे करना है तो हमेशा एक ही चीज करना है, या फिर लाए ऐसे या फिर ऐसे, क्योंकि फिर आपकी ड्राइंग भी खराब हो सकती है। ऐसे ऐसे क्या है? ऐसे, अच्छा, ऐसे और ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने ये जो है ना, अब मैंने इस पे ऐसे ऐसे कर दिया और इस पे ऐसे ऐसे, तो हम मेरी ड्राइंग खराब नहीं हो गई। आपके कहने का मतलब है कि एक साइड से कलर करते रहना चाहिए, ठीक है, इधर उधर से नहीं करना है, फिर नहीं तो वाइट वाइट डॉट्स पड़ जाते हैं ना। जैसे कि मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने करा है, मैंने हमेशा ऐसे ही करा है, कभी ऐसे नहीं करा है। ठीक है, करो करो, गुड गर्ल।